वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है आपको कूलम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, विच इज स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट, इट इज मोर कॉन्सिक्वेंशियल, ज्यादा इसके जो है परिणाम होंगे, हर जगह यूज होने वाला है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये पहले तो ये समझ लो कि फील्ड क्या होती है, फिर उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं और कुछ फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। तो अभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बेस में नहीं जाते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी कैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ही होते हैं, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब कि कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से अटैच नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है बिफोर एक्सर्टिंग अ फोर्स। आपका जो जनरल इंट्यूशन है वो ये कहता है कि अगर इस बोर्ड को मुझे धक्का देना है तो मैं जब तक इसे छूंगा नहीं तब तक जो है मैं धक्का नहीं दे पाऊंगा, अंटिल अनलेस आई एम अ जेडाई मास्टर। तो वो तो नहीं है, तो छूना पड़ेगा धक्का देने के लिए। बट दीज फोर्सेस रिक्वायर नो कॉन्टैक्ट टू बी एक्सर्टेड। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा लेता है। सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों सेम नेचर के हैं अगर, तो रिपेल होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, और अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट होंगे। बट कैसे, ये दोनों अटैच तो हो नहीं रहे। तो हम लोग कहते हैं कि ये चार्ज जो है अपने अराउंड एक फील्ड सेटअप करता है। एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ये चार्ज अपने अराउंड फील्ड सेटअप करता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ दिस फोर्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फोर्स? तो ये जो फोर्स का कॉज है वो है इसके अराउंड जो फील्ड सेटअप हुई है। वो जो फील्ड सेटअप हुई है वो आपका जो है वर्चुअल पार्टिकल्स से फील्ड सेटअप होती है, एटलीस्ट जो मीनिंगफुली इंट्यूटिव इकलौता एक्सप्लेनेशन है, दैट इज गिवन बाय द क्वांटम फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये कोर्स में नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा इसे मेंशन करना चाहता हूं सो दैट यू गेट एन इंट्यूशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, एंड द इंट्यूशन कम्स फ्रॉम अ करेक्ट सोर्स। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी आराम शराब जो है बक दिया। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी आपको बताती है कि वर्चुअल फोटॉन्स हर चार्ज पार्टिकल रिलीज करता है, और जब तक आप 3D स्पेस में हो, अगर आपके स्पेशल डायमेंशंस 3-डायमेंशनल हैं, तो क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अपने अराउंड कोई जो फोटॉन्स है वो जो रिलीज करता है वो फोटॉन्स कंजर्व्ड होते हैं। द फोटॉन्स आर कंजर्व्ड, ये वर्चुअल फोटॉन्स होते हैं। इसको एकदम लाइट वाले फोटॉन्स ना समझने लग जाना। These are the carriers of electromagnetic force. अब होता क्या है कि ये वैसे तो मैंने सर्कल बनाया है, पर थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या होगा, ये एक स्फीयर होगा। अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस, अगर जैसे ये r है या r की जगह 2r हो गया, तो वही फोटॉन्स अब कितने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जो एरिया होगा वो कितने गुना हो जाएगा। यहां पे r डिस्टेंस पे जो एरिया था वो था 4πr², और जो 2r डिस्टेंस पे एरिया है वो है 4π2r². अब बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहां पे। जो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है, दिस सरफेस एरिया, दिस इज 4πr². तो यहां पे रेडियस तुमने डबल कर दिया, अगर डिस्टेंस डबल कर दिया तो ये 2r का होल स्क्वायर्ड हो गया। तो एरिया जो है 4 times हो गया, एरिया 2 इज इक्वल टू 4 times एरिया 1। अब एरिया अगर 4 times हो गया तो फोटोन डेंसिटी, दैट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने यहां थे उतने ही यहां है। तो यहां पे जितनी दूरी पे थे उसकी जो है 4 times ज्यादा दूरी पे यहां पे, तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन उसका 1/4 हो जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई
these forces, the gravitational force and the electrostatic force, follow the inverse square law. Force is inversely proportional to R square because of this. That is one of the explanations of quantum field theory. That is why it is a very very important theory. तो उस वजह से ये जो photons इससे interact करते हैं वो इस पर फोर्स लगाता है और इसी वजह से जितना डिस्टेंस तुम्हारा बढ़ता जाता है 1 बाय आर स्क्वायर से फोर्स घटता है. सिमिलरली ये चार्ज अपनी फील्ड सेटअप करता है, ये चार्ज जो अपनी फील्ड सेटअप करता है उसकी वजह से यहां पे फोर्स लगता है Q1 पर, ये चार्ज जो फील्ड सेटअप कर रहा है. तो ये हो गया आपका सेटिंग अप ऑफ फील्ड. हर जगह से, हर चार्ज से, एवरी quanta of charge is exerting a field in its vicinity or infinite distance तक जाता है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये photons के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो we weren't really talking about कि अगला जो charge है वो कितना है, इसने कितनी field setup करी उसके बारे में बात करते हैं. फिर अगला charge कितना होगा उतना ज़्यादा उस पर force लगेगा. तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है. तो फिर उसके हिसाब से फिर यूनिटरी मेथड लगा देंगे. आप बोलेंगे कि अगर यूनिट चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है और ये 7 यूनिट चार्ज है तो 7 गुना फोर्स लगेगा. दैट इज इट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलते हो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इज डिफाइंड एज, जब भी डिफाइंड एज होता है तो तीन यहां पे इक्वल टू वाले डैश लग जाते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, एफ नेट इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज. सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है, डेफिनेशन इसकी देख लो. मतलब कि अगर तुम्हें पी कोई पॉइंट है जहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां पर एक बहुत छोटा सा चार्ज लेकर के आओ क्यू नॉट, विच इज बाई डेफिनेशन पॉजिटिव इन नेचर, और फिर इस पे देखो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है. इसमें कोई जरूरी नहीं है एक ही चार्ज हो, जैसे कई जगह टीचर्स जो है सिंगल चार्ज के फील्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, वो जरूरी नहीं है. आपके पास एक ये चार्ज है, बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस हो सकते हैं, कोई इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इधर फोर्स लगा रहा है. नेट फोर्स जो आपका है वो कुछ ऐसा आया, सपोज नेट फोर्स आपका कुछ ऐसा आया, ये नेट फोर्स आया. अब ये जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आपने बोला ये तो क्यू नॉट चार्ज पे है जी, तो यूनिट चार्ज पे कितना होगा? तो यूनिट चार्ज पर निकालने के लिए आप बोल दोगे कि क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज एज वेल एज द अदर चार्जेस, तो इस चार्ज से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा अगर यहां पर यूनिट चार्ज रखा होता तो कितना आप फोर्स लगा रहे होते. तो लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, एफ नेट इलेक्ट्रिक ऑन पी पर यूनिट क्यू नॉट. अब इसका क्या मतलब है? इतनी बात तो क्लियर हो गई कि पर क्यू नॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूनिटरी मेथड लगाना है. एक बार तुमने यूनिट चार्ज का निकाल दिया और बेसिकली तुमने एक फील्ड की इक्वेशन निकाल दी, तो अब तुम हर जगह पर यूनिट चार्ज पर फोर्स निकाल सकते हो और उसके बहुत ज्यादा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. तो अभी बात करते हैं ये लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो क्यों है. क्यू नॉट इज अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब स्मॉल होना क्यों जरूरी है? स्मॉल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये लार्ज होगा तो एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि जो फील्ड है वहां पे डिस्ट्रप्ट करेगा खुद, इतने ज्यादा जो है वो इतनी ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस कर देगा कि जो चीज मेजर करने जा रहे हो तुम उसी को डिस्टर्ब कर देगा, तो फिर कैसा मेजरमेंट? अच्छा, दूसरी बात, पॉजिटिव लेने का कोई खास कारण है क्या? नेगेटिव नहीं ले सकते हैं? एक्चुअली ले सकते हैं, बाय डेफिनेशन यहां पे पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव लोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. इनफैक्ट अगर यहां पर तुमने एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा और उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इधर आ रही है तो सारे फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे. अगर तुम यहां पे क्या करोगे, इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज रखोगे तो सारे फोर्सेस ऑपोजिट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स भी ऑपोजिट हो जाएगा.
अब जब नेगेटिव चार्ज से इसे डिवाइड करोगे, क्योंकि ये एक वेक्टर इक्वेशन है, तो यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस होता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है सिंपली, तो अभी भी ये उसी डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड तो वही है ही है। तो वैसे डेफिनेशन में पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन नेगेटिव भी होगा तो रिजल्ट नहीं चेंज होगा, रिजल्ट विल रिमेन एज इट इज। और स्मॉल क्यों होता है, ताकि जिस चीज को मेजर करने जा रहे हैं उसी को ना डिस्टर्ब कर दे। सपोज यहाँ पे कोई जो है कोई मेटालिक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और हमने टेस्ट चार्ज यहां पे ले आए हम बहुत बड़ा सा, ठीक है बड़ा सा तो कैपिटल क्यू, और चेक करने के लिए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां, तो यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहले ही भाग जाएगा इससे रिपेल होकर के, और जब रिपेल होकर के भागेगा तो जो चीज मेजर करने के लिए तुम इसे लाए हो वही चीज तुम डिस्टर्ब कर दे रहे हो, तो मेजरमेंट कैसे सही हो सकता है। तो इस वजह से दिस हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, या तो बोल सकते हो ताकि अपनी फील्ड ना सेटअप करे, या फिर बोल सकते हो बाकी चार्जेस को ना डिस्टर्ब करे, किसी भी तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स में डेफिनेशन आपको आना चाहिए, और टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है। जल्दी से लिख लो। तो द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज अपॉन इज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। मतलब कि ये जो है किसी पेयर ऑफ चार्जेस पे नहीं डिपेंड करती, जैसे कि फोर्स जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक पेयर की प्रॉपर्टी थी, ये डिपेंड करता था पेयर ऑफ चार्जेस पे। तो एक चार्ज और दूसरे चार्ज दोनों पे ये डिपेंड कर रहा था, तब जाके तुम बता सकते थे ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये केवल एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, यहां पे अब बाकी सारे चार्जेस मिल करके कितना फोर्स लगाए पर यूनिट चार्ज पे, उससे हमें अब बाकी चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं कि यहां पे कोई चार्ज है कि नहीं है। यहां पे जब फ्री स्पेस है तब कितना फील्ड लग रहा है, तब कितना फोर्स लगता, तब की बात कर रहे हैं। अगर यहां पे चार्ज ले आए तब तो फिर फील्ड जो है यहां की इनफाइनाइट हो जाएगी, जब तक नहीं है तब तक की बात होती है। इट इज अबाउट अ पॉइंट इन स्पेस, देयर इज अ डिफरेंस। जब भी फील्ड निकालोगे तो वहां पे आप अज्यूम करोगे कि हाँ वहां पे अगर चार्ज रखते तो कितना फोर्स लगता, लेकिन एक्चुअली वहां रखा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ फ्री पॉइंट। अच्छा, तो इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद। अभी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एफ इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू नॉट है तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एफ इलेक्ट्रिक का यूनिट। अब चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स है ना, उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन, और चार्ज का यूनिट तो कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसका एक और यूनिट है जो कि अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट रिलेट्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी पढ़ा नहीं है तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट ये देख लो कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों ही जो है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहां तक डायमेंशंस का सवाल है, तुम डायमेंशंस आसानी से निकाल सकते हो, निकाल लेना, या चलो निकाल देते हैं आपके लिए। फोर्स का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 l1 t-2, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है t1 a1, तो दिस विल फाइनली गिव यू m1 l1 t-3 a-1। दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शन। अब हमें डिस्कस करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इनफैक्ट डायरेक्शन नहीं, पहले पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
अब जो है जो बेसिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिस से क्या मतलब है, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज ये निकाल लेंगे। और हालांकि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल्स लगाओगे, जब भी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जब अब एप्लीकेशन आएगा, तो एक्चुअली इसका जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज एवरीवेयर। तो देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें निकालना है। मतलब कि एक चार्ज है, मान लेते हैं क्यू, उससे आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले तो यही प्रोसेस फिर से अज्यूम कर लेंगे कि अगर यहां पे आर डिस्टेंस पे तुम्हें चार्ज निकालना है तो एक चार्ज लेकर के आओ क्यू नॉट, और वो क्यू नॉट देखो वहां पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सपोज यहां पे आपने रखा तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा एक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब Q1 तुम्हारा कैपिटल Q हो गया, ये जो टेस्ट चार्ज है इसे क्यू नॉट बोल दिया, ओवर आर स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4πε0 क्यू। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, तो दिस डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, में क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू ओवर आर स्क्वायर, नॉट अ वेरी बिग डील। ये वही 1/4πε0 है। अगर स्पेस है तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर स्पेस नहीं है, कोई और मीडियम रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज हो जाएगा 1/4πpermittivity ऑफ दैट मीडियम, क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई नॉट अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये सब वैसे ही जैसे फोर्स हम लोग निकालते थे। अब एक बार ये निकाल दिया तो डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि अब ये कैपिटल क्यू के साइन से डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर यहां पे ये जो कैपिटल क्यू है ये पॉजिटिव है, तो यहां पे अगर तुम जो क्यू नॉट रखा तुमने वो तो पॉजिटिव रखते ही हो, और आपने देख लिया अगर नेगेटिव भी रखोगे तो रिजल्ट वही रहेगा। तो फिलहाल मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, तो जो फोर्स है वो किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। और अभी तक आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, अब अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज अवे फ्रॉम द चार्ज। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एक लाइन में देखो, ऐसे देखो, यहां पे दूसरा चार्ज रखा, इस पे किधर फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा। यहां पे अगर रखा है, इस पे इधर फोर्स लगेगा। तो आप बार बार इधर उधर ये तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे, व्हाट इज वन स्टेटमेंट दैट कैन एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस। तो दैट इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू। अगर यहां पे कहीं रखा है तो फोर्स छोटा लगेगा क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ, लेकिन अभी भी अवे लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो उससे रेडियली अवे होगा। और सिमिलरली अगर नेगेटिव होता, अगर ये कैपिटल क्यू नेगेटिव होता तो इसके टूवर्ड्स होता, सारे फोर्सेज इससे इसके तरफ होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी तरफ होती, तो फिर आप बोल सकते हैं दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, और इसी को उल्टा रेडियली टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे ये टेंशन ना लेने लग जाना कि ये इधर जो दूसरा चार्ज है वो क्या है, वो दूसरा चार्ज है ही नहीं ना, वो तो स्पेस है ना, पॉइंट इन स्पेस है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इससे अवे होगा फील्ड,
और ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो इसकी तरफ होगा फील्ड. फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जल्दी से लिख लो भाई. तो अब अगर आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है. क्या देखा हमने कि अगर एक पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज है तो इससे अवे होगा रेडियली अवे होगा. तो जो भी जहां पे भी निकाल रहे हो वहां से एक लाइन खींचिए और मैग्नीट्यूड मेजर करिए. मैग्नीट्यूड जो है लेंथ ऑफ एरो डिनोट करेगा और डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज है. ये टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज है. तो अब इसको जो है आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा अगर आपके पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू जो कि आर नॉट वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर है और तुम्हें कोई भी जनरल पॉइंट आर वेक्टर पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो पहली बात, ये जो है चार्ज अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली अवे फ्रॉम क्यू. तो यहां से यहां तक लाइन खींची और अवे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी. दिस बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करना है. जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है तो मॉड ई वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर. अब ये डिस्टेंस फिर से याद करो वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का. तो ये डिस्टेंस ऐसे भी आप ला सकते हो और ऐसे भी ला सकते हो. इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस लेंथ के बराबर है और फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है. तो ये वेक्टर हो जाएगा आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर और ये वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर. ये यहां पे डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ये दोनों ही आप लिख सकते हैं. दिखाई दे रहा है. एक मिनट को मैं चेक कर लूं दिखाई दे रहा है कि नहीं. हाँ भाई दिख रहा है. अच्छा अभी जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करिए. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4πε0. क्या करते थे हम लोग, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया था अपना आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर. अब डायरेक्शन के लिए यहां पे यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन चाहिए. ये ध्यान से देख लो भाई, दूसरे कलर से बनाते हैं. एक यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन आप ले आओ और इससे मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड को. सपोज मैग्नीट्यूड 7 है तो ये 7 गुना हो जाएगा तो इतना लंबा हो जाएगा. पर पहले तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना इस डायरेक्शन में. और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ये हो जाएगा. तो फाइनली ई वेक्टर अपने पास आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर. एंड दिस फॉर्मूला इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर इक्वेशन. ये जो फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर इक्वेशन है. तो इसमें जो है आप क्या कर सकते हो, चार्ज विद साइन डाल सकते हो. लेकिन ये यूजुअली आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे नहीं. बहुत ही रेयर चांस होगा जब इसे न्यूमेरिकल में यूज करने का तुम्हें मौका मिलेगा. तो यूजुअली यू विल बी यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड
due to a point charge is 1 over 4 pi epsilon naught q by r squared, जहाँ पे r distance है, ये वाला r नहीं है, ठीक है, r उन दोनों के बीच का distance है, और फिर direction अपने दिमाग में रखोगे, तो वहाँ पे charge without sign जाएगा, यहाँ पे charge with sign जा सकता है, this is charge with sign, ये मेरा with का symbol है, अच्छा, यहाँ पे charge without sign, direction अपने दिमाग में जो है रखो, फिर उसे जो है use करो vectorial addition में, ठीक है, अब vectorial addition की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि multiple electric fields को add कर सकते हैं, तो हालांकि आपने ये देख लिया कि net electric field will be net electric force per unit charge, but अभी ये देखो कि actually वो जो definition है वो हम लोग use नहीं करेंगे, अब आगे से हम लोग क्या करेंगे कि ये electric field due to a point charge आपको मिल गई है, आगे से इसी को as a formula हम लोग बार बार use करेंगे, यहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके, इसका क्या मतलब है कि यहां पे सपोज चार्ज है q1, यहां पे चार्ज है q2, यहां पे चार्ज है माइनस q3, और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज एट अ डिस्टेंस r1 r2 r3 फ्रॉम ओवर हियर, तो आप क्या करोगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला लगाओगे, ये आ जाएगा e1 इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R1 का स्क्वायर, फिर इसकी वजह से ये फॉर्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा E2, और इसकी वजह से इधर फिर से फॉर्मूला लगाओगे, ये सपोज हो गया E3, और इन तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर दोगे, वेक्टोरियली कैसे ऐड करते हैं हमने कूलम्स लॉ में डिस्कस करा था, अभी एक बार फिर से करेंगे, लेकिन यहां पे ये देख लो कि अब जो हमने प्रीवियसली डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे नहीं चल रहा है, प्रीवियसली डिफाइन क्या किया था, जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये है कि इस पे एक चार्ज लेकर के आओ Q0, उस पे देखो कितना फोर्स लग रहा है, फिर पर यूनिट चार्ज देखो कितना फोर्स लग रहा है, मतलब कि डिवाइड बाय Q0 करो, वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब आप क्या कर सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप हर पॉइंट चार्ज के लिए लगाइए और उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि दी net electric field at a point is equal to the vectorial sum या vectorial addition of the electric field due to all point charges exerted at that point, ठीक है, लेकिन उसका basis क्या है, उसका basis ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि principle of superposition का basis ये है कि इसकी electric field Q1 की वजह से electric field is unaffected by Q2 की वजह से electric field, वो effect नहीं होती है, ऐसा हो सकता था कि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब सिर्फ Q1 रखा है तब अलग है, जब Q2 रखा है तो सपोज ये दोनों रिपेल होने लग गए, कुछ ऐसा इंटरैक्शन होने लग गया कि यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इसने चेंज कर दी अपनी, पर ऐसा नहीं होता है, इंडिविजुअली हर किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स एज इज, ठीक है, तो अभी जो है क्वेश्चन पे बिगिन करते हैं, क्वेश्चन हमारे बहुत कुछ वैसे ही होंगे जैसे कूलम्स लॉ में थे, बस इस बार क्या होगा, एक पॉइंट इन स्पेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे, दैट विल इंक्लूड हम फिर से 1D सिस्टम, 1D इक्विलिब्रियम, फिर 2D सिस्टम, फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आपको मिलेंगे वो हम लोग देखेंगे, लिख लो भाई इतना, तो अभी बिगिन करते हैं 1D सिस्टम के साथ, यहां पे आपका टाइप 1 है 1D सिस्टम, इसमें देख लो एग्जाम्पल 1 इज समथिंग लाइक एक आपके पास यहां पे चार्ज है, एक आपके पास यहां पे चार्ज है, एक सपोज आपके पास यहां पे भी चार्ज है, नाम देते थे चार्जेस को कुछ अनिल बबलू चिंटू, वैल्यूज ले लेते हैं 20 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम, और यहां पे कोई पॉइंट है P, इस पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डिस्टेंसेस सपोज आपको पता है, दिस इज सपोज समथिंग लाइक 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज फिर से 2 सेंटीमीटर में भी,
और आपको P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो क्या करोगे आप, यहां पे हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और फिर उनका डायरेक्शन सोचोगे और वेक्टोरियली उन्हें ऐड करोगे। मतलब ये नहीं कि मैग्नीट्यूड निकाले और सबको उठा करके ऐड कर दिया, ये नहीं कि चार्जेस विद साइन निकाले और फिर उठा करके ऐड कर दिया। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाओगे जिसमें सबका डायरेक्शन आप सिग्निफाई कर पाओ। वो अगर नहीं कर रहे हो तो पाप कर रहे हो, उसी की वजह से सबसे बड़ी गलती होती है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप आपका होना है ए बी सी, ये पी, इसकी वजह से, ए की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ए एक पॉजिटिव चार्ज है तो ए से रेडियली अवे, तो यहां पे मैं बना दे रहा हूं दिस विल बी ई ए। बी एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से के रेडियली टूवर्ड्स दिस विल बी ई बी। और सी एक पॉजिटिव चार्ज है, सी से रेडियली अवे, तो सी से जब इधर जाओगे तो इससे अवे क्या होगा, लेफ्टवर्ड्स होगा। डिफरेंस ये समझ लो, ए से रेडियली अवे इधर है मगर सी से रेडियली अवे इधर है, सी से दूर जा रहा है, तो ई सी दिस विल बी ई सी। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कीपिंग इन माइंड कि ये राइट वर्ड्स है, ये लेफ्ट वर्ड्स है, ये लेफ्ट वर्ड्स है। देख लो तो ई ए हो जाएगा के क्यू ए बाय आर ए स्क्वायर। यहां पे k की वैल्यू डाल दी 9 × 10⁻⁹, न्यूमेरिकल्स में हम लोग यही वैल्यू डालते हैं जब स्पेस है तो, और कुछ आप यहां पे वैल्यू चेंज भी नहीं करोगे। qa विल बी 20 μC 20 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लोगे, 2 cm ना ले लेना, देख लेना है a से p का डिस्टेंस इज 3, तो 3 × 10⁻²² का होल स्क्वायर SI यूनिट पर डालना है, दिस इज सेंटीमीटर। ये वैल्यू तभी ट्रू है जब SI यूनिट होता है इन दोनों का, तो इसको माइक्रो कूलम से कूलम में बदला, इसको सेंटीमीटर से मीटर बदला। ये 3 का स्क्वायर 9 देगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अभी अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 2 × 10⁻⁹ + 4, ये 20 का 10 ऐसे दे दिया, ये -5 बन गया। तो दिस बिकम्स 2 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, सही है। ऐसे छोड़ दें तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पाप है ये। क्यों पाप है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं लिखा है। डायरेक्शन लिखिए यहां पे, दिस मस्ट बी रिटन राइट वर्ड्स। अच्छा अब एक बार ये हो गया तो अब बाकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल आएंगे। मैं रेशियो से निकालूंगा, आप चाहें तो पूरा फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, पर मैं बोलूंगा दिस विल बी 2, इसकी वजह से 2 था, तो यहां पे चार्ज क्या हो गया, 1/4 हो गया। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपॉन 4 कर दो। फिर डिस्टेंस 3 cm का 1 cm हो गया, तो डिस्टेंस 1/3 हो गया, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये × 9 कर दो, × 10⁸ तो था ही न्यूटन पर कूलम, जो कि कट पिट के आ जाएगा 4.5 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। किधर ईबी किधर है, लेफ्ट वर्ड्स है, तो लेफ्ट वर्ड्स कर दो। ऐसे ही ईसी निकाल लो, ईसी चाहो तो ईए से कंपेयर कर लो, चाहो तो ईबी से कंपेयर कर लो। मैं ईबी से कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि ईबी में क्या है 4.5, फिर चार्ज डबल कर दिया है मैंने, तो 5 × 10 हो गया, तो × 2, और डिस्टेंस भी डबल कर दिया मैंने, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अपॉन 4 × 10⁸ न्यूटन पर, सॉरी अभी नहीं, ये करोगे तो 2.25 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। किधर आएगा, ये लेफ्टवर्ड्स आएगा, लेफ्टवर्ड्स। अब पहले तो ये थोड़ा सा दिमाग में देख ही लो कि किस तरफ बढ़ा जा रहा है, सबसे बड़ा तो यही है और ये लेफ्टवर्ड्स है, ये भी इससे बड़ा है, ये भी लेफ्टवर्ड्स है, तो ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने वाली है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ई नेट इज इक्वल टू ई बी प्लस ई सी माइनस ई ए लेफ्ट वर्ड्स में, जो भी पॉजिटिव में रखा है उसे उसका डायरेक्शन दे दो, क्योंकि वन डायमेंशनल है तो आप वेक्टोरियल एडिशन ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्टली।
तो EB प्लस EC माइनस EA, तो ये 2.25 माइनस 2 कर दो तो 0.25 बचेगा, वो इसमें ऐड कर दो तो आ जाएगा 4.75 इनटू 10 रेस टू द पावर 8 न्यूटन पर कूलम लेफ्टवर्ड्स। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड नो अबाउट। ऐसे करके 2500 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आप कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं करने के लिए। एग्जांपल ये है कि अपने पास ये हैलिडे रेसिक का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा रीफ्रेम कर रहा हूं मैं। अपने पास टोटल 5 पोजीशन है, एक ए, दूसरा बी, तीसरा पी, चौथा सी, पांचवा डी। आपको 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिट्रॉन दिए गए हैं। यू आर गिवन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 पॉजिट्रॉन्स दैट आर टू बी प्लेस्ड on A, B, C and D in such a manner that electric field at P is maximum, whatever is maximum possible electric field, why? जितने भी possible arrangement है दो electron और दो positron के, and electric field at P is minimum। आपको ये बता दें कि ये सारे डिस्टेंसेस सेम है, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, ये सारे डिस्टेंसेस ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मैक्सिमम होने के लिए कैसे अरेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मिनिमम होने के लिए कैसे अरेंज करेंगे, ये आपको बताना है। पॉजिट्रॉन क्या होता है जिसको नहीं पता है, तो पॉजिट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि ऐसे रिप्रेजेंटेड होता है, और क्या होता है कि सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन होता है बट ऑपोजिट चार्ज टू एन इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो भाई।